नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। गुरुवार को रखा जाएगा। कहा जाता है कि अपरा एकादशी व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से अपार पुण्य फल की प्राप्ति होती है, और इसीलिए अपरा एकादशी कहा जाता है। कुछ लोग इसे अचला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। हिंदू धर्म शास्त्र में गुरुवार का दिन भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस बार एकादशी अपरा एकादशी गुरुवार को पड़ रही है। ऐसे में अपरा एकादशी और गुरुवार दोनों का साथ में होने से एकादशी का पुण्य फल और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से विशेष फल मिलता है। कहा जाता है कि अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा भक्तों को अपार सुख समृद्धि मिलती है, बशर्ते उनके पूजन में वृद्धि को इन प्रमुख 10 नियमों का पालन करना चाहिए। जानते हैं कौन से हैं वो नियम। अपरा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर एक पीड़ा रखकर उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। अब इस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखें। इसके बाद भगवान को धूप दीप जलाकर और कलश स्थापित करें। भगवान को फल फूल पान सुपारी नारियल लौंग आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। व्रती स्वयं भी पीले आसन पर बैठे। भक्त अपने दाएं हाथ में जल लेकर अपनी परेशानियों की समाप्ति के लिए प्रार्थना करें। पूरे दिन निराहार व्रत रहकर शाम के समय अपरा एकादशी के व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। व्रत खत्म होने के बाद फलाहार करें और पारण शुभ मुहूर्त में ही करें। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।